नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के इस अंक में। मैं हूँ अरविंदर सिंह। रुक करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को अनुराग ठाकुर ने बचकाना दिया करार। टाउन हॉल परिसर में सांसद अनुराग ठाकुर ने किया सीबीएसई स्कूलों की नॉर्थ जोन इंडोर बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ। वीवीपैट की जागरूकता के लिए मोबाइल वैन भी विभिन्न पंचायतों में पहुंचाई जा रही है। अमीरपुर एसडीएम अरविंद चौधरी ने कहा चुनावों के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार। रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को अनुराग ठाकुर ने बचकाना करार दिया है। टाउन हॉल पहुंचे सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है तो पार्टी अब बचकानी हरकतें कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता खुद भ्रष्टाचार में डूबे हैं और जय शाह पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जय शाह ने मानहानि का दावा पहले ही दिन कर दिया है, इससे पता चला है कि वे साफ और ईमानदार हैं। हमीरपुर के टाउन हॉल परिसर में पहुंचे सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर भी जमकर प्रहार बोला है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह पर कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर अनुराग ठाकुर ने इसे बचकाना हरकत करा दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को और कुछ नहीं मिला तो वे बचकानी हरकतें करने लग पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के अपने नेता भ्रष्टाचार में डूबे हैं और जय शाह ने मानहानि का दावा पहले भी किया है और इससे पता चलता है कि वे साफ और ईमानदार हैं। बिल्कुल बचकाना आरोप है और कांग्रेस को मुझे लगता है जब कुछ और नहीं मिला तो ऊंची हरकतों पर उतर आई है। कमोडिटीज मार्केट में इतनी टर्नओवर होना बहुत सारे लोग देश में होंगे जिनकी होती होगी, इसलिए कोई लेजिटिमेट बिजनेस भी करता है उसके ऊपर इस तरह के आरोप लगाना ये कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। जिनके अपने नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, कांग्रेस के एक भी नेता में दम नहीं था कि वो मानहानि का केस कर सकते। अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी ने मानहानि का दावा पहले दिन किया है, 100 करोड़ रुपये का किया है। इसी से पता चलता है कि वो साफ हैं, ईमानदार हैं और ईमानदारी के साथ अपना व्यापार कर रहे थे। वहीं पिछले कुछ दिनों पहले सोलन में लाइट फेस्टिवल में पहुंचे भाजपा नेता शत्रुघ्न सिन्हा और अरुण शौरी के अपनी ही पार्टी बीजेपी सरकार पर मोर्चा खोले जाने पर सांसद अनुराग ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा कि कुछ लोगों की आदत है कि ऐसे बयान देकर सुर्खियों में रहना। उन्होंने कहा कि वे तथ्यों से कोसों परे हैं। देखिए, कुछ लोगों की आदत केवल ऐसे बयान देकर मीडिया में बने रहने की है, उससे ज़्यादा ना उनकी कोई वैल्यू है ना ऐसे विचार जो वो रखते हैं वो तथ्यों से बहुत दूर हैं, परे हैं। वहीं युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रमादित्य के बयान पर पलटवार भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह अपनी पार्टी की चिंता करें और बीजेपी के नेता की चिंता छोड़ दें। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सोचती है कि केवल सीएम घोषित करके प्रदेश में सत्ता हासिल की जा सकती है तो ये गलत है। उन्होंने कहा कि जनता को गुड़िया हत्याकांड भ्रष्टाचार का जवाब देना ही पड़ेगा। मुझे लगता है वो अपनी पार्टी की चिंता करें और अपने ऊपर जो भ्रष्टाचार के केसेस है उसकी चिंता करें। प्रदेश को लूट कर खोखला कर दिया, जो माफिया राज यहाँ पर है उसका जवाब उनको देना होगा। अगर कांग्रेस पार्टी सोचती है कि वो केवल एक मुख्यमंत्री का नाम घोषित करके अपनी पार्टी को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन बातों का तो उनको जवाब देना पड़ेगा, गुड़िया हत्याकांड का, होशियार सिंह हत्याकांड का और बाकी भी जो उनके विषय आए हैं उनको लेकर भी उन्होंने अब तक जवाब नहीं दिया है। कार्यक्रम में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हिमाचल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ठाकुर मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हमीरपुर। ठाकुर मोटर ड्राइविंग स्कूल हिमाचल के नंबर 1 ड्राइविंग स्कूलों में से है एक, जहां पर अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा LMB नॉन ट्रांसपोर्ट, LTV ट्रांसपोर्ट व्हीकल, HTV हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, वाहन को चलाने का आधुनिक तकनीक से दिया जाता है प्रशिक्षण।
ड्राइविंग के साथ साथ गाड़ियों के कलपुर्जों की भी दी जाती है जानकारी। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के साथ साथ शादी विवाह व टूर के लिए भी बुक की जाती है गाड़ियाँ। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में प्रदूषण जांच केंद्र की भी है सुविधा, तो ड्राइविंग का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें ठाकुर मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हमीरपुर, नियर पेट्रोल पंप हथली खड हमीरपुर। हमारा नंबर है 9418667908, 9418400349। 10 साल सफलतापूर्वक दुलेड़ा ऊना में कंप्लीट करने के बाद पूरी फर्नीचर हाउस अब आपके शहर हमीरपुर में मट्टन सेठ हनुमान मंदिर के सामने दे रहा है अपनी सेवाएं। अपने घर व ऑफिस को सुंदर बनाने के लिए आज ही आएं पूरी फर्नीचर हाउस हमीरपुर और ले जाएं बेहतर क्वालिटी का फर्नीचर जो आपके घर की सुंदरता में लगा दे चार चांद। आपकी सुविधा के लिए सागवान लकड़ी से तैयार करवाए जाते हैं सोफा कम बेड, दीवान कम बेड, डाइनिंग टेबल, चेयर, अलमीरा की भारी रेंज। आपके ऑफिस को नई लुक देने के लिए हम देते हैं गारंटी के साथ डिजाइनर रिवॉल्विंग चेयर, सेलो प्लास्टिक चेयर व ऑफिस की हर जरूरत का सामान। साथ ही हमारे यहाँ उपलब्ध है गोदरेज के गद्दे, तो दीजिए अपने घर व ऑफिस को नई लुक पूरी फर्नीचर हाउस के साथ। हमारा पता है पूरी फर्नीचर हाउस, नियर हनुमान मंदिर, मटन सिद्ध हमीरपुर। हमारा नंबर है 9816562762888942339090। ठाकुर द्वारा गौशाला समिति वर्ष 2001 से लावारिस बेसहारा तथा पीड़ित गाय की कर रही है देखभाल। कमेटी के अथक प्रयासों, दानदाताओं के सहयोग से पीड़ित गौधन को बचाने का किया जा रहा है प्रयास। कमेटी द्वारा लावारिस पीड़ित व बेसहारा गौओं की जाती है सेवा। गौशाला में गाय का घी, अर्क व पंचगव्य से निर्मित धूप दवाइयां भी हैं उपलब्ध। गौशाला में किसानों के लिए वर्मिंग खाद भी की जाती है तैयार। गौशाला में गौ पूजन, गौदान, तुलादान, शनि, नवग्रह व नवरात्रों पर पूजा पाठ का किया जाता है विशेष आयोजन। दानी सज्जन गौशाला में दान करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर पर दान कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई दान राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में भी दी जाती है छूट। तो आज ही आए ठाकुर द्वारा गौशाला समिति जमली धाम और बने पुण्य के भागी। गणपति इंटरप्राइजेस लावा मोबाइल हमीरपुर। हमारे यहाँ उपलब्ध हैं लावा के हर तरह के मोबाइल। हमारे यहाँ लावा मोबाइल होलसेल और रिटेल किए जाते हैं। ग्राहकों की हर सुविधा का रखा जाता है खास ख्याल। हमारे यहाँ लावा मोबाइल का ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर उपलब्ध है। यहाँ पर ग्राहकों को दी जाती है बेहतरीन सर्विस। दुनिया का जाना माना नाम लावा मोबाइल। तो आप चाहते हैं मैं लोगों को बोलूं कि आपका फोन बहुत रिलायबल है? सर, लावा का हर फोन हजारों टेस्ट से होकर गुजरता है। मैं कैसे मानूं? सर, आप खुद एक्सपीरियंस करके देख लीजिए। ओहो, गलती से ले लिया। टूटा तो नहीं? नो सर, हमने इसके लिए भी टेस्ट किया। जस्ट वन ऑफ द 1000 टेस्ट दैट मेक लावा फोन्स सो रिलायबल। ऐसा कोई टेस्ट जो आपने नहीं किया? सर, आपकी क्या चिंता। यार, लोगों को ये बोलने से पहले कि आपके फोन्स रिलायबल हैं, have to be sure. वैसे लावा का हर फोन हजारों टेस्ट से गुजरता है। एक्स्ट्रा टॉवल लाना चाहिए था, कॉल करके मंगवा लेंगे। ओह नो, फोन अंदर ले आया, खराब हो जाएगा। नो सर, इसके लिए भी टेस्ट किया सर। जस्ट वन ऑफ द 1000 टेस्ट्स दैट मेक लावा फोन्स सो रिलायबल, नेवर लेट्स यू डाउन। जब भी लेना हो लावा मोबाइल, आए गणपति इंटरप्राइजेस हमीरपुर। हमारा पता है गणपति इंटरप्राइजेस न्यू रोड ऑपोजिट इलाहाबाद बैंक हमीरपुर। हमारा नंबर है 9816789389, 9805816833। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीबीएसई स्कूलों की नॉर्थ जोन इंडोर बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ हमीरपुर के टाउन हॉल परिसर में सांसद अनुराग ठाकुर ने किया। सांसद अनुराग ठाकुर ने दीप प्रज्वलित करके प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और खिलाड़ियों को
अनुशासन में रहकर खेलने की शपथ भी दिलाई। प्रतियोगिता में करीब 100 CBSE स्कूलों के 800 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। CBSE स्कूलों की नॉर्थ जोन इंडोर बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ हमीरपुर के टाउन हॉल परिसर में सांसद अनुराग ठाकुर ने किया। इस मौके पर सांसद अनुराग ठाकुर ने दीप प्रज्वलित करके प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और खिलाड़ियों को अनुशासन में रहकर खेलने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सुजानपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर, प्रदेश सह प्रवक्ता नरेंद्र रात्रि, DAV स्कूल के प्रिंसिपल PC वर्मा मौजूद रहे। प्रतियोगिता में लगभग 100 CBSE स्कूलों के लगभग 800 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सांसद अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निश्चित तौर पर खेलों के लिए बढ़िया ढांचा प्रदेश में उपलब्ध नहीं है, लेकिन पूर्व में रही भाजपा सरकार ने खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने कहा कि खेलों के प्रति कांग्रेस का उदासीन रवैया रहा है और इस मुद्दे पर ज्यादा राजनीति नहीं होनी चाहिए। DAV संस्था ने एक बहुत बड़ा आयोजन इंटरजोनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का किया है। मैं सभी खिलाड़ियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि मेरे गृह जिला हमीरपुर में सभी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपने अपने स्कूल के लिए नाम कमाएंगे। निश्चित तौर पर जो खेलों के लिए आधारभूत ढांचा पूरी देश में होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन हमीरपुर में हमने 6 करोड़ रुपये की लागत से एथलेटिक ट्रैक बना कर दिया। 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा हमारी सरकार ने काम शुरू कर दिया था इंडोर स्टेडियम का, जो 5 वर्षों में कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई है। ये अपने आप में दिखाता है कि खेलों के प्रति उदासीन रवैया कांग्रेस का रहा, लेकिन इसको राजनीति ना करते मैं इतना ही कहूँगा, और ज़्यादा आधारभूत ढांचे की आवश्यकता है। जहाँ तक आपने टाउन हॉल की बात की, मैं निश्चित तौर पर इसके रखरखाव को और बेहतर करना चाहिए, मैं आपसे सहमत हूँ और माननीय DC महोदय से इसकी बात भी उठाएंगे ताकि EO को कहकर यहाँ पर रखरखाव को और बेहतर किया जा सके। हमीरपुर के समीप भोटा में भाजपा बरसल मंडल द्वारा आजीवन सदस्यों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। एक निजी होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में 300 के करीब कार्यकर्ताओं को पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान कई लोगों ने भाजपा का दामन भी थामा। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, पीके तुम्हें जिंदा। खिलाड़ी से हैं राजेश वर्मा, रणजीत सिंह गंगोट से हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अगर बस में आना है तो सोच समझ के आना है। 5 साल में आपने कुछ नहीं दिया, हमारा जो धूम साहब ने हमें पैसा दिया था उसको भी वापस ले गया, हमारे कार्यालय हॉस्पिटल भी हमारे बंद कर दिए। अगर आएगा बस में तो यहाँ की जनता आपको घेरेगी और काले झंडे दिखाएंगे, वो बस की जनता से डर गया, आप लोगों से डराओ। 5 साल में हम तो बाबा कह रहे हैं एक काम कराइए, MLA का और मुख्यमंत्री का 1 लाख इनाम पाइए, और 200 करोड़ की संपत्ति कहां से आई MLA की, ये भी जनता को जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। 2 बोर्ड लगाए, काय का लगाए, 1 सीवरेज और 1 पार्टी का। 3 साल में क्या हुआ काम, कोई भोटे वाले बने क्या? तू बना देते तो हमीरपुर थोड़ी हमको रोसा कि हमारा तस्वीर हमीरपुर है, हम क्यों आए तक साथ। अगर बनानी होती काम कोई करना चाहे, सरकार चाहे तो अंदर के तारे तोड़ के लाते हैं। धूम साहब जो मांगते थे ना वो पक्का काम करते थे, वो पैसा भी देते थे, प्लेट लगाते भी थे, शिलान्यास उसका उद्घाटन करते भी थे, ये ड्रामे नहीं करते थे हम लोग। ललक नहीं ललक, कितना बड़ा गाय कितना बड़ा है, प्रभाव इस बात से होता है कि कलाकार की गाने वाले की मंशा क्या है, उसके दिल की आवाज क्या है, और जब दिल से आवाज निकलती है तो जन जन के दिल को छूती है। उसने काम क्या करवाओगे, अब तो इसका कोई दान पुण्य का लाभ नहीं होगा। अंतिम समय सरकार जो दान पुण्य कर रही है, और नकली नोटों का हो रहा है, नकली वोटों का हो रहा है, शिलान्यास करने वाले भी जानते हैं कि उनका कभी निर्माण नहीं होगा, जिसके लिए बजट नहीं है, पैसा नहीं है, DPR नहीं बनी है,
वो प्रोजेक्ट्स कभी सिरे नहीं चढ़ा करते, ना उनको अपने काम पे विश्वास है और ना प्रदेश के आम नागरिक को यह विश्वास है कि कुछ काम हो रहा है। पहले बनता है कौन मंत्री बनता है, कौन सीपीएस बनता है। सवाल यह है कि हिमाचल देव भूमि रहता है या नहीं रहता है, और हिमाचल के अस्तित्व को, इसके सम्मान को बचाना है तो कांग्रेस को हराना है और कमल खिलाना है, ये वायदा करके सत्ता जाना है। ऐसा संकल्प में जी इंसान की जिंदगी कितनी होती है, लेकिन देश समाज और प्रदेश की जिंदगी बहुत लंबी होती है। जब तक दुनिया रहेगी तब तक हिमाचल का अस्तित्व रहेगा। आओ हम सब मिलकर संकल्प लें कि इस बार जो मौका मिलने वाला है सब शुद्धिकरण करेंगे, कि हर जगह कमल खिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और जो छवि बिगड़ गई है उसको शुद्ध करके हिमाचल को फिर देव भूमि, पुण्य भूमि और देवी देवताओं का स्थान, वीर भूमि बनाकर सारे विश्व को प्रचारित करेंगे। चेहरे बहुत लंबे भाषण, तो आज लोग शामिल उनका पूरा मान सम्मान स्वागत, और अब आप पूरे परिवार के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सदस्य बने हैं, और एक गौरव और गर्व की बात है कि उस पार्टी के सदस्य बने तो केवल हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इसका नेता केवल हिंदुस्तान का नेता नहीं, जिसके नाम पर अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जब चुनाव हो रहा था तो हम तो मानते थे कि हिलेरी जीतेगी, ट्रंप को तो ऐसे मजाक समझते कहां से आ गया, लेकिन उसने क्या लास्ट में कहा कि अगर मैं प्रेसिडेंट बना तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह काम करूंगा। मोदी का नाम लेकर अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाता है, हिमाचल के एमएलए नहीं चुने जाएंगे, हिमाचल की सरकार नहीं चुनेंगे। आओ सब मिलकर दिन रात मेहनत करें, जो बलदेव ने कहा अब जब तक पोलिंग नहीं होती तब तक घर नहीं बैठना है, और आप तो है भी आजीवन सहयोगी, सारा जीवन सहयोग देने वाले। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव अभिषेक राणा ने भाजयुमो द्वारा प्रदेश भर में की जा रही टिप्पणी पर पलटवार किया है। राणा ने कहा कि प्रदेश में युवा कांग्रेस का सशक्त होना लाजमी है और युवा कांग्रेस ने अपने दम पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया है, जबकि भाजयुमो की हुंकार रैली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उपस्थिति दर्ज करवाई थी। उन्होंने भाजयुमो के द्वारा युवाओं के युवा कांग्रेस से मोह भंग होने के आरोपों को सिरे से नकारा है। ऐसा नहीं है जी, अगर ऐसा होता तो इतनी इतनी बड़ी रैलीज हमने यहाँ पर की हैं जिसमें हजारों की तादाद पर युवा उमड़ कर आया है, तो ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही होगी कि हिमाचल प्रदेश में यूथ कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ना चाहते, क्योंकि आज किसी संगठन के साथ सबसे ज्यादा युवा हिमाचल प्रदेश में जुड़ा है तो वो युवा कांग्रेस ही है। रही बात युवा मोर्चा की या भारतीय जनता पार्टी की, कितने ही युवा उनके साथ जुड़े हैं, कितने उनके कार्यक्रम हुए हैं, कितने यूथ बाहर निकल कर आए हैं, ये हम सब लोग भली भांति जानते हैं। एक भी कार्यक्रम ऐसा कोई सफल कार्यक्रम नहीं है, पीछे भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यक्रम हुआ जिसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर पहुंचे, और युवा मोर्चा का वो कार्यक्रम था जिसमें युवा कहीं पर भी नहीं थे, सारे बुजुर्ग ही वहां पर मौजूद पहुंचे थे। और जब जब यूथ कांग्रेस की कोई रैली हुई है, जब जब यूथ का कोई कार्यक्रम हुआ है, हजारों की तादाद में यूथ उमड़कर सड़कों पर आया है, राज साहब का स्वागत करने के लिए आया है, कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने के लिए। जहां तक मेरा विचार है, हम युवा हैं, हम तो चाहेंगे कि युवाओं को मौका मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि युवाओं को मौका दिया जाएगा, लेकिन हम सारे एक मुद्दे पर सारे साथ में समर्थन राज साहब का भी करते हैं और पार्टी का भी करते हैं कि जो व्यक्ति, चाहे वो युवा है चाहे वो सीनियर लोग हैं, जो जीतने की क्षमता रखता है उसको टिकट दी जाए, और जो युवा लंबे समय से काम कर रहा है, पार्टी के लिए काम कर रहा है और जीतने की क्षमता भी रखता है तो उसको भी टिकट दी जाए। हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र के तहत सभी पंचायतों में वीवीपैट वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन की जागरूकता के लिए मोबाइल वैन भी विभिन्न पंचायतों में पहुंचाई जा रही है। इस अवसर पर चुनावों की तैयारियां पूरी तरह से हाईटेक तरीके से भी की जा रही हैं, और हर बार
पोस्टल बैलेट देरी से पहुंचने का झंझट भी खत्म किया जा रहा है। पोस्टल बैलेट के लिए पहले ही प्रशासन ईमेल के माध्यम से सैनिकों को ईमेल करेगा और वापस लेटर पोस्ट के माध्यम से पहुंचेगा, जिससे समय की भी बचत होगी। हमीरपुर एसडीएम अरविंद चौधरी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि चुनावों के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र के तहत सभी पंचायतों में वीवीपैट मशीन के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही वीवीपैट की जागरूकता के लिए मोबाइल वैन भी विभिन्न पंचायतों में पहुंचाई जा रही है। इस बार चुनावों की तैयारी पूरी तरह से हाईटेक भी की जा रही है और हर बार पोस्टल बैलेट देरी से पहुंचने का झंझट भी खत्म किया जा रहा है। पोस्टल बैलेट के लिए पहले ही प्रशासन ईमेल के माध्यम से सैनिकों को ईमेल करेगा और वापस लेटर पोस्ट के माध्यम से पहुंचाया जाएगा, जिससे समय की बचत भी होगी। हमीरपुर में एसडीएम अरविंद चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि चुनाव प्रक्रिया की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने मत का प्रयोग करें, इसके लिए स्वीप अभियान भी आरंभ किया गया है। जो वीवीपैट जो एक नई चीज रहेगी, सिलेक्शन की हॉलमार्क रहेगी, तो इसके बारे में जो जानकारी हमने शेयर करी है कि कहां कहां पर हमारी डेमोक्रेसी वैन जो हमने चालू करी है इंजीनियर्स के साथ जाएंगी और न गली गली में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे कि वीवीपैट की मतलब क्या है, वीवीपैट पे मतलब वोट दबाएंगे तो कैसे देखना है, कितने टाइम आपको मिलेगा अपना वोट देखने के लिए, अपना वोट का कास्ट कैसे होता है, तो इस सब की जानकारी जो हमारे इंजीनियर्स हमारे इनके डेमोक्रेसी वैन के साथ गए हैं और वीवीपैट मशीन के साथ गए हैं वो लोगों को फर्स्ट हैंड जानकारी देंगे। तो इसमें एज सच कोई ताकि कहीं कुछ गुंजाइश ना रह जाए किसी सोच विचार की या किसी भ्रम की कोई आवश्यकता ना रहे। उन्होंने कहा कि बचत भवन में सेक्टर अधिकारियों के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें सेक्टर अधिकारियों को वीवीपैट मशीन की जानकारी दी गई। इसके साथ ही सेक्टर अधिकारियों की ड्यूटी के बारे में विस्तार से बताया गया ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न की जा सके। पोस्टल बैलेट सबकी बार जो है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड रहेंगे, जिसमें हम जो है ईमेल के थ्रू डिक्लेरेशन और उनका जो पोस्ट है जो पोस्टल बैलेट है वो ट्रांसमिट होगा। लोग जो है दूर दूर पोस्टेड हैं उन तक इलेक्ट्रॉनिकली उनके ईमेल पे पहुंच जाएगा डायरेक्टली। जो लोग डायरेक्टली मतलब इंटरनेट की सुविधा जहां पर नहीं है जिन पोस्ट के ऊपर, उनके बेस ऑफिस में पहुंचेगा और वहां से बेसिकली उन्हें पोस्टल बैलेट ट्रांसमिट होगा। तो इससे काफी समय की बचत होगी कि वापसी जो है वो पेपर फॉर्म में आएगा पर जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में, तो इससे कम से कम आधा समय हम लोगों ने बचा लिया है। तो इस बार कोशिश का काफी अंदेशा है कि इस बार पोस्टल बैलेट्स की संख्या वापस आने की काफी बढ़ जाएगी इस बार। कार्यक्रम में साथ फिर से वक्त हो चला है, ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आरजे फैशन पॉइंट हमीरपुर, जहां आप पा सकते हैं पहली बार स्कूल और कॉलेज से संबंधित हर तरह की ड्रेसेस। आरजे फैशन पॉइंट जहां उपलब्ध है स्कूल कॉलेज की ड्रेसेस, शर्ट पैंट स्कर्ट एंड स्कूल बैग्स, फुल एंड हाफ कोट ब्लेजर जैकेट एंड किंडर गार्मेंट्स। साथ ही रेडीमेड में उपलब्ध है अनारकली सूट कुर्ता और बच्चों के लिए ड्रेसेस की विभिन्न वैरायटीज। तो स्कूल और कॉलेज से संबंधित हर तरह की ड्रेसेस के लिए कहीं और क्यों जाना, सिर्फ आरजे फैशन पॉइंट में ही आना। हमारा पता है आरजे फैशन पॉइंट अपोजिट दीप एंड कंपनी नियर सब्जी मंडी हमीरपुर। हमारा नंबर है 9817320738। आरके हॉस्पिटल हमीरपुर अब नई और एक्सपर्ट्स डॉक्टर की अनुभवी टीम ला चुका है आपके शहर हमीरपुर में। डॉक्टर रवि वर्धन प्रोपराइटर आरके हॉस्पिटल, डॉक्टर संजीव शर्मा एमएस ऑर्थो, डॉक्टर अमित श्रीवास्तव एमएस गायनी, डॉक्टर एमएन कमाल एमडी पीडियाट्रिक, डॉक्टर केतन फिजियोथेरेपिस्ट। विजिटिंग डॉक्टर्स हैं डॉक्टर मोहित वालिया डीएम कार्डियोलॉजी, डॉक्टर सुशील राही डीएम न्यूरोलॉजी एंड डॉक्टर सनी बिर्डी डीएम पल्मोनरी। दिमाग और फेफड़ों की बीमारियों के डॉक्टर हर महीने के पहले शनिवार को, साथ ही हृदय रोग विशेषज्ञ हर महीने के पहले बुधवार को, साथ ही आरके हॉस्पिटल में हड्डी की चोट या फ्रैक्चर का इलाज, नॉर्मल डिलीवरी, इमरजेंसी सिजेरियन, बच्चों के विशेषज्ञ, NICU, PICU जैसी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध, 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा। आरके हॉस्पिटल नाउ ISO 9001 2001।
20015 सर्टिफाइड ऑपोजिट संत निरंकारी भवन नियर हथली ब्रिज भोटा रोड हमीरपुर। रोहित ट्रेडिंग कंपनी सुजानपुर हमारे यहाँ उपलब्ध है अंबुजा सीमेंट जो आपके घर की दीवारों को बनाए मजबूत। घर की छत को मजबूत और सुंदर बनाने के लिए हमारे यहाँ हर तरह की कलरफुल सीट है उपलब्ध जो आपके घर की छत को बनाए आकर्षक। हम देते हैं अपने सामान की पूरी गारंटी। हमारे यहाँ आप पाएंगे TMT सरिया ऑथराइज्ड डीलर ऑफ टाटा टिस्कॉन। हो बातें सपनों की लो अपनों की एडवाइस हो बातें प्यार की सोचो गलत ट्वाइस नो कॉम्प्रोमाइज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ हो खुशियाँ अपनों की बनो थोड़ा वाइस टाटा टिस्कॉन अटूट जोड़ के साथ इंडिया बोले लाइफ में नो कॉम्प्रोमाइज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ नो कॉम्प्रोमाइज़। घर की चार दीवारी के लिए ले जाएं एंगल पत्ती। आपके घर की छतों को निखारने के लिए कलर सीट के साथ GI सीट की भी है भारी रेंज। इसके साथ ही आप पाएंगे PVC पाइप्स, GC पाइप्स, हर तरह की पानी की भी टंकियों की है भारी रेंज। सुंदर घर स्वपन आपका सहयोग हमारा। अपने घर के सपनों को साकार करने के लिए आज ही पधारें रोहित ट्रेडिंग कंपनी नियर ब्यास ब्रिज आलमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। हमारा नंबर है 9816452119816335144। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुजानपुर में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत जागरूकता रैली का आयोजन किया जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर CDPO दलवीर बिगड़ा के अलावा स्कूली अध्यापक मौजूद रहे। इस मौके पर छात्राओं ने बेटियों को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए हाथों में तख्तियां लेकर जोरदार नारेबाजी भी की। सुजानपुर में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर CDPO बलबीर बिरला के अलावा स्कूली अध्यापक मौजूद रहे। इस मौके पर छात्राओं ने बेटियों को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए हाथों में तख्तियां लेकर जोरदार नारेबाजी भी की। CDPO बलबीर बिरला ने बताया कि आगामी दिनों तक गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूकता का संदेश पहुंचाया जाएगा ताकि जिला में लिंग अनुपात में सुधार लाया जा सके। उन्होंने बताया कि गत एक वर्ष में जिला हमीरपुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। पहले 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों का 887 लिंग अनुपात था जबकि अब लड़कियों का अनुपात 963 तक पहुँच गया है। चलते चलते रुक करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। तो ये था आज का कार्यक्रम। फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए HSK के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के इस अंक में। आइए सबसे पहले जो प्रदेश देश और विदेश से राजनीति खेल और मनोरंजन की दुनिया की हर खबर दर्शकों तक पहुंचाने का वादा करता है। हर खबर पर होगी पहली नजर।